Hello everyone, welcome to class number 108 of the chapter data structure. So aaj ke class ka hamara discussion ka topic hai insertion sort. So aaj ke class mein hum dekhenge ki insertion sort algorithm ko use karke hum kaise sorting operation perform kar sakte hain ek list of data elements ko leke. Okay, to chaliye shuru karte hain discussion. So insertion sort ke bare mein प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में समझने से पहले उसको आसान तरीके से समझने के लिए हम पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. ओके, सो इंसर्शन सॉर्ट एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसको हम ज्यादातर हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल जो कि हम सब फेस किए हैं. सपोज एक एग्जामिनेशन हो रहा है, कोई एक एग्जामिनेशन हो रहा है. सो एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद जो एग्जामिनर है जो हमारी कॉपी को कलेक्ट करते हैं, ऐसा जरूरी है क्या वो कॉपी को सीरियली रोल नंबर वाइज ही कलेक्ट करें? वो रैंडमली कलेक्ट करते हैं. रैंडमली कलेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं फिर कॉपी को, रैंडमली सारे कॉपी को कलेक्ट कर लेने के बाद उनको वो क्या करते हैं, रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं. सो वहां पे असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करके कॉपी को रखते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं इंसर्शन सॉर्ट प्रोसेस और इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम. कैसे, चलिए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल लेके. ओके, सपोज एक कॉलेज है या फिर कोई एक इंस्टीट्यूट है जहां पे 30 स्टूडेंट्स हैं. 30 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो 30 स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद एग्जामिनर ने क्या किया, 30 स्टूडेंट्स का कॉपी कलेक्ट कर लिया. जरूरी नहीं कि वो रोल नंबर के वाइज ही उन्होंने कलेक्ट किया, वो रैंडमली उन्होंने कलेक्ट कर लिया. पहले रोल नंबर 5 का, फिर 2 का, फिर 13 का, फिर 20 का, फिर 25 का, फिर 5 का, वैसे रैंडमली उन्होंने कलेक्ट कर लिया और रैंडमली कलेक्ट करने के बाद उसको एक जगह पे रख लिया. ओके, सो वहां पे हम बोल सकते हैं कि कॉपी जो उन्होंने रखा वो अनसॉर्टेड फॉर्म में है, कोई भी कॉपी सॉर्टेड फॉर्म में प्रॉपर नहीं है. ओके, सो वहां पे हम क्या करेंगे, जो अनसॉर्टेड फॉर्म में हमारा कॉपी है, 30 कॉपी जो है, 30 स्टूडेंट्स का जो कॉपी है, उस अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ कॉपी से सबसे नीचे जो कॉपी है वो अनसॉर्टेड लिस्ट का सबसे फर्स्ट कॉपी है और सबसे ऊपर जो कॉपी है वो अनसॉर्टेड सब लिस्ट का सबसे लास्ट कॉपी है. सबसे नीचे जो कॉपी है उसको हम फर्स्ट कॉपी के हिसाब से कंसीडर करते हैं और सबसे ऊपर जो कॉपी है उसको लास्ट कॉपी के हिसाब से कंसीडर करते हैं. जैसे कि आप कहीं पे भी, जैसे कि टास्क सबमिट करना हो अपने टीचर के पास, सो वहां पे जो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट कॉपी को सबमिट करता है उसका कॉपी सबसे नीचे रहता है, जो सबसे लास्ट में सबमिट करता है उसका कॉपी सबसे ऊपर रहता है. वैसे ही जो सबसे पहले एग्जामिनेशन कॉपी सबमिट करेगा उसका कॉपी सबसे नीचे रहेगा, जो लास्ट में सबमिट करेगा उसका सबसे ऊपर रहेगा. इसका मतलब हमें ये पता चला कि सबसे नीचे जो कॉपी है वो हमारा फर्स्ट कॉपी है और सबसे ऊपर जो कॉपी है वो सबसे लास्ट कॉपी है. ओके, सो सबसे फर्स्ट कॉपी जो है अनसॉर्टेड फॉर्म में, जो 30 कॉपी है, 30 कॉपी है, वहां पे जो फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट कॉपी को मैंने वहां से पिक किया. फर्स्ट कॉपी को पिक करके मैंने क्या किया, उसको अलग से रखा. ओके, अलग से रखा क्यों, क्योंकि मैं अलग से उसको सॉर्टिंग करके प्रॉपर अरेंज करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मैं रखना चाहता हूं. इसीलिए मैंने क्या किया, वहां से एक कॉपी को, सबसे फर्स्ट में जो कॉपी है नीचे उसको मैंने वहां से पिक किया और सॉर्टेड सब लिस्ट में, मतलब अलग से मैंने उसको एक अलग लिस्ट के फॉर्म में उसको मैंने अलग जगह पे रख लिया. ओके, सो सबसे नीचे जो कॉपी था, सपोज वो रोल नंबर 13 वाला कॉपी था, उसको मैंने पिक किया, अलग से रखा रोल नंबर 13 वाला कॉपी को. फिर मैंने क्या किया, अनसॉर्टेड लिस्ट में, मतलब यहाँ पे जो 30 कॉपी थे अनसॉर्टेड फॉर्म में उसको सपोज हम बोलते हैं अनसॉर्टेड लिस्ट, और यहाँ पे मैंने जो एक कॉपी लाके रखा उसको सपोज हम बोलते हैं सॉर्टेड लिस्ट. सॉर्टेड लिस्ट में मैंने एक कॉपी लाके रखा है रोल नंबर 13 का, और अनसॉर्टेड लिस्ट में बाकी 29 कॉपी बचे. बाकी 29 कॉपी जो बचे, वहां पे सबसे नीचे जो अभी कॉपी है अनसॉर्टेड लिस्ट में, अभी जो फर्स्ट कॉपी है उसको फिर से पिकअप करेंगे. उसको मैंने पिक करने के बाद सपोज वो रोल नंबर मेरा आया रोल नंबर 3. ओके, सो जो रोल नंबर 3 आया वो मैं क्या करूंगा, सॉर्टेड लिस्ट में जो पहले से एक कॉपी है रोल नंबर 13 का, पहले मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा रोल नंबर 3 जो है वो रोल नंबर 13 से बड़ा है या छोटा है. ऑफ कोर्स ही रोल नंबर 13 से छोटा है. सो रोल नंबर 13 से अगर छोटा है तो रोल नंबर 13 वाला कॉपी सॉर्टेड लिस्ट में पहले किस पोजीशन में था, फर्स्ट पोजीशन में था. अगर रोल नंबर 3 वाला कॉपी मैं वहां पे इंसर्ट करूंगा तो रोल नंबर 3 वाला कॉपी अभी फर्स्ट पोजीशन में रहेगा और रोल नंबर 13 वाला कॉपी जो था फर्स्ट पोजीशन में वो अभी सेकंड पोजीशन में आ गया. मतलब रोल नंबर 13 वाला कॉपी का पोजीशन जो है वो एक ऊपर पोजीशन में शिफ्ट हो गया, क्योंकि न्यू कॉपी मैंने जो वहां पे इंसर्ट किया वो उसके नीचे रहा, क्योंकि उस कॉपी का रोल नंबर 13 से छोटा था. ओके, फिर मैं क्या करूंगा, अनसॉर्टेड लिस्ट में बाकी जो 28 कॉपी बचे वहां पे सबसे नीचे, सबसे फर्स्ट जो कॉपी है उस कॉपी को फिर से पिकअप करूंगा. सपोज वो कॉपी का रोल नंबर है 17. ओके, 17 रोल नंबर है, तो मैं फिर से सॉर्टेड लिस्ट के पास जाऊंगा, वहां पे सबसे ऊपर है 13, उसके नीचे है 3. सो रोल नंबर 17 वाला जो कॉपी आएगा मैं कंपेयर करूंगा सबसे ऊपर जो कॉपी है पहले उसके साथ सॉर्टेड लिस्ट में. सबसे ऊपर क्या है, 13.
So 13 से roll number 7, roll number 13 बड़ा है क्या roll number 17 से? नहीं, इसका मतलब roll number 17 बड़ा है, मतलब 13 के ऊपर रहेगा 17, इसका मतलब ना ही मुझे roll number 3 के copy के position को change करना पड़ेगा, ना ही roll number 13 के copy के position को change करना पड़ेगा, roll number 17 को normally हम क्या करेंगे, position number 3 में roll number 13 के ऊपर रख लेंगे, okay? फिर हम unsorted list के पास जाएंगे, वहाँ पे बचा और 27 number of copies, 27 नंबर ऑफ कॉपीज है, कॉपीज में से मैंने और एक कॉपी वहां से पिक किया नीचे से, ओके, मतलब शुरुआत से, और वहां पे जो कॉपी आया मेरा वो था रोल नंबर 1, ओके, तो उसको मैं फिर सॉर्टेड लिस्ट के पास जाऊंगा, सॉर्टेड लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है 17, उसके नीचे क्या है 13, उसके नीचे क्या है 3, और जो मैंने रोल नंबर 1 को पिक किया वो क्या है, रोल नंबर 1 को कंपेयर करेंगे सॉर्टेड लिस्ट के सबसे ऊपर कॉपी के रोल नंबर के साथ, 17 रोल नंबर बड़ा है क्या 1 से? हाँ बड़ा है, इसका मतलब 17 रोल नंबर वाले कॉपी को हम एक पोजीशन ऊपर लेने वाले हैं, क्योंकि रोल नंबर 1 जो है रोल नंबर 17 के नीचे रहेगा, रोल नंबर 17 के नीचे अगर रहेगा तो रोल नंबर 17 का पोजीशन मतलब थर्ड पोजीशन में था, अभी फोर्थ पोजीशन में आ जाएगा रोल नंबर 17 वाला कॉपी, उसके बाद रोल नंबर 13 वाले कॉपी के साथ कंपेयर करेंगे, रोल नंबर 13 बड़ा है क्या रोल नंबर 1 से? बड़ा है, सो रोल नंबर 13 वाले कॉपी के पोजीशन को भी एक ऊपर शिफ्ट करेंगे, ओके, मतलब रोल नंबर 13 वाला कॉपी जो कि सेकंड पोजीशन में था वो अभी थर्ड पोजीशन में आ जाएगा, और फिर कंपेयर करेंगे रोल नंबर 3 जो है उस वो रोल नंबर 3 बड़ा है क्या रोल नंबर 1 से? हाँ बड़ा है, सो रोल नंबर 3 को भी एक पोजीशन ऊपर लेंगे जो कि फर्स्ट पोजीशन में था अभी सेकंड पोजीशन में आ जाएगा, और रोल नंबर उसके बाद और कोई कॉपी है नहीं वहां पे रोल नंबर का, तो वहां पे रोल नंबर 1 को हम क्या करेंगे नीचे फर्स्ट पोजीशन में स्टोर कर देंगे, और रोल नंबर 3 रोल नंबर 13 एंड रोल नंबर 17 का जो पोजीशन है वो एक एक क्या हुआ एक एक ऊपर शिफ्ट हो गया, ओके, सो पता चला कैसे हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं अनसॉर्टेड लिस्ट से एक कॉपी को लेके सॉर्टेड लिस्ट में एक कॉपी को कैसे इंसर्ट कर रहे हैं वो पता चल गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसको इंसर्शन सॉर्ट, क्योंकि हम अनसॉर्टेड लिस्ट से एक कॉपी को पिक कर रहे हैं उसको सॉर्टेड लिस्ट में लेके उसका प्रॉपर पोजीशन क्या है करेक्ट पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर करेक्ट पोजीशन में लेके उस पर्टिकुलर कॉपी को इंसर्ट कर दे रहे हैं और इंसर्ट करके उसको सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, तो जबकि हम अनसॉर्टेड लिस्ट से वैल्यू को लेके सॉर्टेड लिस्ट में वैल्यू को इंसर्ट करके उसको करेक्ट पोजीशन में उसको सॉर्टिंग करते हैं, इसीलिए इस तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिदम को हम इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम बोल सकते हैं, ओके, सो इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जामिनेशन कॉपी कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसको मैंने दो अलग अलग लिस्ट में डिवाइड कर दिया, अनसॉर्टेड लिस्ट जो कि पहले से था और सॉर्टेड लिस्ट जो कि मैं धीरे धीरे वहां पे न्यू एलिमेंट को ऐड करके क्या कर रहा हूँ सॉर्टेड लिस्ट बना रहा हूँ, वैसे ही अगर हम एक एरे को इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो वहां पे उस एरे को हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, एक सॉर्टेड पार्ट जिसको हम सॉर्टेड सब लिस्ट या फिर सॉर्टेड सब एरे भी बोल सकते हैं, और एक पार्ट है अनसॉर्टेड पार्ट जिसको हम अनसॉर्टेड सब लिस्ट या फिर अनसॉर्टेड सब एरे भी बोल सकते हैं, सो जैसे कि हमने एग्जामिनेशन कॉपी में सबसे फर्स्ट जो कॉपी था उसको मैंने अलग से सॉर्टेड सब लिस्ट में रख लिया, वैसे ही यहाँ पे एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको हम लेंगे और लेके क्या करेंगे सॉर्टेड सबलिस्ट के पार्ट में उसको ऐड कर देंगे, और अनसॉर्टेड सबलिस्ट में बाकी जो एलिमेंट्स हैं बाकी एलिमेंट्स को एक एक करके वहां से पिक करते जाएंगे और सॉर्टेड सबलिस्ट की जो वैल्यू है उसके साथ कंपेरिजन करते जाएंगे और जो करेक्ट पोजिशन है उस पर्टिकुलर करेक्ट पोजिशन में न्यू वैल्यू को इंसर्ट करके सॉर्टिंग करते जाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया अनसॉर्टेड लिस्ट से एक एक एलिमेंट को पिक करके एक एक वैल्यू को पिक करके सॉर्टेड सब लिस्ट में करेक्ट पोजीशन में इंसर्ट करके हमने यहाँ पे सॉर्टिंग किया, तो जबकि हम यहाँ पे डाटा को इंसर्ट करके सॉर्टेड सब लिस्ट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको सॉर्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिदम को हम क्या बोलेंगे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, ओके, वही लिखा है इन इंसर्शन सॉर्ट द एलिमेंट्स फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे, इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं अनसॉर्टेड पार्ट या फिर अनसॉर्टेड सब लिस्ट जो है मतलब अनसॉर्टेड लिस्ट जो है वहां से हम एलिमेंट को पिक करते हैं वहां से वैल्यू को पिक करते हैं रोल नंबर वाले कॉपी को पिक करते हैं और उसको सॉर्टेड पार्ट या फिर सॉर्टेड सब लिस्ट में करेक्ट पोजिशन में लेके इंसर्ट कर देते हैं सॉर्ट प्रॉपर अरेंज मतलब प्रॉपर पोजिशन में और प्रॉपर पोजिशन में इंसर्ट करके उसको सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज करके रख लेते हैं, इसीलिए इसको हम इंसर्शन सॉर्ट बोलते हैं, hence the name is insertion sort, इसका नाम insertion sort इसीलिए हुआ है इस तरह के algorithm का नाम क्योंकि यहाँ पे element जो है हम क्या करते हैं correct position में लेके sorted sublist में एक एक करके insert करते जाते हैं और insert करके उसको proper arrange form में proper sorted form में arrange करके उसको क्या करते हैं एक sorted sublist धीरे धीरे हम बनाते जाते हैं, इसीलिए हम इस तरह के sorting algorithm को insertion sort बोलते हैं,
ओके सो अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल लेके कि ये इंसर्शन सॉर्ट एक्चुअली काम कैसे करता है. हमने इसको तो एग्जामिनेशन में जो कॉपी कलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके उसको समझा. यहाँ पे हम एक एरे को एग्जांपल के हिसाब से लेके वहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो जब भी आप इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके सॉर्टिंग कर रहे हो तो वहां पे आप एग्जामिनेशन हॉल का ही सोच लो और रोल नंबर का सोच लो. यहाँ पे सोच लो कि यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं और ये 6 स्टूडेंट्स का रोल नंबर है. ओके और इन 6 स्टूडेंट्स के रोल नंबर को मुझे क्या करना है, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को यूज करके सॉर्टिंग करना है. ओके सो 6 रोल नंबर का स्टूडेंट्स है, मतलब सबसे पहले 14 रोल नंबर वाले स्टूडेंट ने अपने एग्जामिनेशन कॉपी को सबमिट किया, फिर 33 रोल नंबर वाले ने सबमिट किया, फिर 27 ने सबमिट किया, फिर 35 रोल नंबर वाले ने सबमिट किया, फिर 10 रोल नंबर वाले ने सबमिट किया, फिर 17 रोल नंबर वाले ने सबमिट किया. तो सबसे पहले किसने सबमिट किया, रोल नंबर 14. और सबसे पहले जिसने सबमिट किया उसको हम क्या करेंगे, उस कॉपी को लेके हम सॉर्टेड सब लिस्ट में सबसे पहले एड कर देंगे. ओके जैसे कि हमने रोल नंबर 13 वाले कॉपी को सबसे पहले सॉर्टेड सब लिस्ट में लेके रख लिया था. अनसॉर्टेड सबलिस्ट में अभी बचा कॉपी रोल नंबर 33, 27, 35, 10 एंड 17 का. और अनसॉर्टेड सबलिस्ट में सबसे पहले किसका कॉपी है, सबसे नीचे पहले किसका कॉपी है, रोल नंबर 33 का. सो रोल नंबर 33 वाले कॉपी को हम क्या करेंगे, वहां से पिक करेंगे. ओके सो रोल नंबर 33 वाले कॉपी को मैंने वहां से पिक किया, मतलब क्या, वो कॉपी ना ही अभी अनसॉर्टेड सबलिस्ट में है ना ही सॉर्टेड सबलिस्ट में है, वो कॉपी अभी मेरे हाथ में है. वैसे ही रोल नंबर 33 वाले वैल्यू को जो हम वहां से एरे से पिक करेंगे उसको हम क्या करेंगे और एक वेरिएबल में लेके स्टोर करके रख लेंगे. वो वैल्यू हमारे एरे में उस पर्टिकुलर पोजिशन में होगा बट हम कंसिडर करेंगे कि उस पर्टिकुलर पोजिशन में नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझने के लिए. जैसे कि रोल नंबर 33 वाले कॉपी को मैंने क्या किया, अनसॉर्टेड सबलिस्ट से पिक कर लिया, उसको मैंने सॉर्टेड सबलिस्ट में ऐड नहीं किया, उसको मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, मतलब टेम्प, मेरा हाथ एक टेम्प वेरिएबल है, टेम्प वेरिएबल में मैंने रोल नंबर 33 को पकड़ के रखा है. ओके पकड़ के रखा है मतलब जब तक हम कंपैरिजन नहीं कर लेते तब तक हम सॉर्टेड सबलिस्ट में उसको ऐड नहीं करेंगे. सो सॉर्टेड सबलिस्ट में क्या है, अभी सॉर्टेड सबलिस्ट में अभी है 14. ओके सो सॉर्टेड सबलिस्ट में जो 14 है उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे किसको, 33 रोल नंबर को. ओके सो रोल नंबर 14 के साथ अभी हम कंपेयर करेंगे रोल नंबर 33 को, जो रोल नंबर 33 वाले कॉपी को हमने अनसॉर्टेड लिस्ट से पिक किया था. सो जो कंपेयर करेंगे जब, तब हम देखेंगे कि रोल नंबर 33 जो है वो रोल नंबर 14 से बड़ा है या छोटा है. अगर रोल नंबर 14 से बड़ा है तो रोल नंबर 14 के ऊपर उसको रखेंगे, रोल नंबर 14 वाले कॉपी के पोजीशन को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, रोल नंबर 14 वाला कॉपी पहले से भी फर्स्ट पोजीशन में था, अभी भी फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, रोल नंबर 33 वाला कॉपी सेकंड पोजीशन में आ जाएगा, किसमें, हमारे सॉर्टेड सब लिस्ट में. ओके आ चुका है, देख सकते हो रोल नंबर 33 सेकंड पोजीशन में. अभी हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड सब लिस्ट के पास फिर जाएंगे, अनसॉर्टेड सब लिस्ट में सबसे नीचे सबसे फर्स्ट जो रोल नंबर वाला कॉपी है उसको पिक करेंगे, 27 रोल नंबर वाला कॉपी है उसको हम क्या करेंगे, पिक करेंगे. और उसको पिक करके मैंने अपने हाथ में पकड़ा, मतलब टेम्प वेरिएबल में मैंने स्टोर किया, और उसको मैं अपने हाथ में तब तक पकड़ के रखूंगा, टेम्प वेरिएबल में तब तक स्टोर करके रखूंगा जब तक मैं क्या नहीं कर लेता, जब तक मैं उसको कंपेयर नहीं कर लेता सॉर्टेड सब लिस्ट में जो रोल नंबर वाले कॉपी है उनके साथ. ओके सो सॉर्टेड सब लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सा कॉपी है, सबसे ऊपर कॉपी है रोल नंबर 33 वाला. सो 33 के साथ पहले कंपेयर करेंगे, रोल नंबर 33 क्या बड़ा है रोल नंबर 27 से, यस बड़ा है, इसका मतलब रोल नंबर 33 के नीचे हम क्या करने वाले हैं, रोल नंबर 27 की कॉपी को रखने वाले हैं. इसका मतलब रोल नंबर 33 वाला कॉपी का पोजीशन क्या था, सेकंड पोजीशन में था रोल नंबर 33 वाला कॉपी, अभी वो थर्ड पोजीशन में शिफ्ट होने वाला है. सो रोल नंबर 33 को हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे थर्ड पोजीशन में. ओके अभी हम कंपेयर करेंगे रोल नंबर 27 जो है वो रोल नंबर 14 से बड़ा है या छोटा है, 14 से बड़ा है, मतलब 14 के ऊपर रहेगा, मतलब 14 का पोजीशन चेंज नहीं होगा, 14 वही फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, 27 सेकंड पोजीशन में रहेगा, 33 थर्ड पोजीशन में रहेगा. ओके अभी हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड सब लिस्ट के पास जाएंगे फिर से, वहां पे सबसे फर्स्ट में क्या रोल नंबर वाला कॉपी है, 35, उसको पिक करेंगे. उसको मैंने पिक किया, पिक करने के बाद उसको फिर से कंपैरिजन करना शुरू करेंगे, सॉर्टेड सब लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है, रोल नंबर 33 वाला कॉपी. सो 33 वाला जो कॉपी है, 33 वाला कॉपी जो है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, रोल नंबर 33 बड़ा है क्या 35 से, इज रोल नंबर 33 इज ग्रेटर देन 35, रोल नंबर 33 बड़ा है क्या 35 से, नो. अगर रोल नंबर 33 बड़ा नहीं है 35 से, इसका मतलब क्या, 33 के ऊपर हम रखेंगे 35 को, इसका मतलब उससे नीचे जो कॉपीज हैं उनका पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, 35 को नॉर्मली हम क्या करेंगे, फोर्थ पोजीशन में इंसर्ट कर देंगे हमारे सॉर्टेड सब लिस्ट में. ओके फिर से आएंगे अनसॉर्टेड सब लिस्ट के पास, और अनसॉर्टेड सब लिस्ट में सबसे नीचे सबसे फर्स्ट जो कॉपी है उस कॉपी को पिक करेंगे. सो रोल नंबर 10 वाला कॉपी आया, रोल नंबर 10 वाले कॉपी को मैंने पिक किया, पिक करने के बाद उसको फिर से सॉर्टेड सब लिस्ट में ऊपर से कंपैरिजन करते करते जाएंगे.
35 रोल नंबर वाला कॉपी है, तो 35 रोल नंबर बड़ा है 10 से, सो 35 रोल नंबर के नीचे रहेगा 10 रोल नंबर वाला कॉपी, इसका मतलब 35 रोल नंबर वाला कॉपी एक पोजीशन आगे आएगा, मतलब फोर्थ पोजीशन में था तो फिफ्थ पोजीशन में आ जाएगा 35 रोल नंबर वाला कॉपी। 33 से बड़ा, 33 बड़ा है 10 से, तो 33 पोजीशन रोल नंबर वाला कॉपी जो कि थर्ड पोजीशन में था वो फोर्थ पोजीशन में आ जाएगा। 27 रोल नंबर वाला कॉपी जो बड़ा है रोल नंबर 10 से, जो कि सेकंड पोजीशन में था, शिफ्ट होकर थर्ड पोजीशन में आ जाएगा। रोल नंबर 14 वाला जो कॉपी है, जो कि रोल नंबर 14 बड़ा है 10 से, सो रोल नंबर 14 जो कि फर्स्ट पोजीशन में था वो शिफ्ट होकर सेकंड पोजीशन में आ जाएगा। और कोई रोल नंबर वाला कॉपी है नहीं, सो वहां पे रोल नंबर 10 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट रोल नंबर है जो कि फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, सो फर्स्ट पोजीशन में रोल नंबर 10 को हम सॉर्टेड सब लिस्ट में ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर आएंगे अनसॉर्टेड सब लिस्ट में, बचा सिर्फ एक ही रोल नंबर वाला कॉपी 17, उसको हम पिक करेंगे। पिक करने के बाद सॉर्टेड सब लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सा रोल नंबर है 35, उसके साथ कंपेयर करेंगे, 35 रोल नंबर बड़ा है, यस, सो 35 रोल नंबर के नीचे रहेगा 17 रोल नंबर वाला कॉपी, इसका मतलब 35 रोल नंबर अभी जिस पोजीशन में है एक पोजीशन आगे शिफ्ट होगा, सो 35 रोल नंबर किस पोजीशन में था, फिफ्थ नंबर पोजीशन में था, उसको सिक्स्थ नंबर पोजीशन में शिफ्ट कर देंगे। अभी कंपेयर करेंगे रोल नंबर 33 के साथ, रोल नंबर 33 भी बड़ा है तो रोल नंबर 33 को भी एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे, रोल नंबर 27 भी बड़ा है, रोल नंबर 27 को भी एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे, रोल नंबर 14 छोटा है, इसका मतलब रोल नंबर 14 जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में रहेगा, और रोल नंबर 17 को उसके बाद हम क्या करेंगे वहां पे इंसर्ट कर देंगे करेक्ट पोजीशन में। और यहाँ पे हमारे एरे में जितना भी वैल्यू था या फिर हमारा जितना भी एग्जामिनेशन कॉपी था, सारे कॉपी को हमने रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हमने यहाँ पे कर लिया है। सो पता चला कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके हम कैसे एक लिस्ट ऑफ डाटा आइटम्स को, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था इसीलिए हम यहाँ पे कर रहे थे, क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट रोल नंबर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कंपेयर करके करेक्ट पोजिशन में इंसर्ट कर रहे थे। अगर हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो उसका उल्टा करते, लार्जेस्ट नंबर को हम क्या करते यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन में स्टोर करते। ओके, सो पता चला कैसे हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे राइट व्हाट इज द कोड फॉर इंसर्शन सॉर्ट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को यूज करके आप कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं एक एरे के एलिमेंट को, अगर आपको कोई पूछे तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए उसका कोडिंग हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे नॉर्मली हम जैसे करते आए हैं, नॉर्मली पहले एक एरे लेंगे, मैंने यहाँ पे एक एरे लिया जिसका साइज मैंने लिया है 5, मतलब 5 एलिमेंट्स का वैल्यू हम यूजर से यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं रन टाइम में, तो मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट का वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अभी हम यूज करेंगे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। तो यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में हम मेनली दो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में हम दो लिस्ट बनाते हैं, सॉर्टेड लिस्ट अनसॉर्टेड लिस्ट। ओके, सो अनसॉर्टेड लिस्ट में हम क्या करते हैं, शुरुआत से एक एक कॉपी को पिक करते करते जाते हैं, और सॉर्टेड सब लिस्ट में ऊपर से शुरुआत तक कंपैरिजन करते करते जाते हैं, और जहां पे हमें लगे करेक्ट पोजीशन ये है इस पर्टिकुलर वैल्यू का, वहां पे हम क्या करते हैं उस वैल्यू को करेक्ट पोजीशन में इंसर्ट कर लेते हैं और उसको सॉर्टिंग फॉर्म में प्रॉपर सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करके रख लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे अनसॉर्टेड लिस्ट से कॉपी को जहां से पिक करते हैं और सॉर्टेड सब लिस्ट में हम जहां से कॉपी को कंपेयर करते करते जाते हैं, दोनों ओपोजिट हो रहा है, मतलब अनसॉर्टेड सब लिस्ट से अगर हम शुरुआत से कॉपी को पिक कर रहे हैं, सॉर्टेड सब लिस्ट से हम सबसे लास्ट में जो कॉपी है, सबसे लास्ट रोल नंबर वाला जो कॉपी है, वहां से हम क्या करते हैं फर्स्ट रोल नंबर वाले कॉपी तक कंपेरिजन करते करते जाते हैं। सो अनसॉर्टेड सब लिस्ट में हम जो कॉपी पिक करते हैं वो कहां से पिक करते हैं, वो शुरुआत से पिक करते हैं। ओके, इसीलिए और पिक करते करते हम क्या करते करते जाएंगे, एक एक कॉपी को, मतलब फर्स्ट कॉपी पिक करेंगे पहले अनसॉर्टेड सब लिस्ट से, फिर सेकंड कॉपी को पिक करेंगे, फिर थर्ड कॉपी को पिक करेंगे, फिर फोर्थ कॉपी को पिक करेंगे, एक एक करके कॉपी को पिक करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे लिया आई प्लस प्लस फर्स्ट फॉर लूप में, और यहाँ पे मैंने आई का वैल्यू 1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि जब हम इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके सॉर्टिंग करते हैं तो एरे का सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, अनसॉर्टेड लिस्ट का सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, उसको सॉर्टेड सब लिस्ट में कंसीडर कर लेते हैं। सो यहाँ पे आई का वैल्यू 1, मतलब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से अनसॉर्टेड सब लिस्ट हमारा शुरू होता है, और यहां से अनसॉर्टेड सब लिस्ट जबकि शुरू होता है, इसलिए मैंने आई का वैल्यू यहां से लिया है 1। ओके, और वहां पे मैंने आई लेस देन लेंथ क्यों लिया, बाकी केस में बाकी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हम ले देते आई लेस देन लेंथ माइनस 1, मतलब लास्ट एलिमेंट को वहां पे हमें सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट यहाँ पे हमें लास्ट एलिमेंट को भी सॉर्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लिया है आई लेस देन लेंथ।
ओके okay. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉपी को पिक करेंगे अनसॉर्टेड सबलिस्ट से, फिर सेकंड कॉपी को पिक करेंगे, फिर थर्ड कॉपी को पिक करेंगे, फिर फोर्थ कॉपी को पिक करेंगे, एक एक इंक्रीमेंट करके कॉपी को पिक करेंगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिया आई प्लस प्लस। ओके सो पहले मैं यहाँ पे टेम्प, मतलब क्या टेम्प एक वेरिएबल है, मतलब मैं हाथ में पिक करके जिस कॉपी को पकड़ता हूँ, मतलब टेम्प वेरिएबल में मैं उस कॉपी के उस रोल नंबर वाली कॉपी को स्टोर करके रखता हूँ, मतलब उस वैल्यू को स्टोर करके रखता हूँ। ओके सबसे पहले 33 को पिक करूंगा, फिर 27 को पिक करूंगा, फिर 35 को पिक करूंगा, फिर 10 को पिक करूंगा, और उसको एक एक करके सॉर्टेड सब लिस्ट में एड करते करते जाऊंगा। और सॉर्टेड सब लिस्ट में मैं जो एड करते करते जाऊंगा वो कैसे एड करूंगा, सॉर्टेड सब लिस्ट में अनसॉर्टेड सब लिस्ट में, जैसे कि मैंने फर्स्ट पोजिशन से कॉपी को पिक करते करते जा रहा हूँ। ओके अनसॉर्टेड सबलिस्ट में हम क्या करेंगे उसका उल्टा, सॉरी सॉर्टेड सबलिस्ट में क्या करेंगे, अनसॉर्टेड सबलिस्ट में हम जैसे कॉपी को नीचे से शुरुआत से पिक करते करते जा रहे थे, सॉर्टेड सबलिस्ट में हम क्या करेंगे ऊपर से, मतलब सबसे ऊपर जो कॉपी है वहां से हम चेक करते करते जाएंगे कि हमारा जो नया वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं, जो नया रोल नंबर वाला कॉपी हम इंसर्ट करना चाहते हैं, वो उस पर्टिकुलर कॉपी के रोल नंबर से छोटा है या बड़ा है। ओके सो उल्टा जाएंगे, मतलब अनसॉर्टेड सबलिस्ट में हम जैसे जाते थे शुरुआत से लेके एंड तक कॉपी को एक एक करके पिक करते करते जाते थे, सॉर्टेड सबलिस्ट में हम क्या करेंगे, मतलब सबसे ऊपर जो कॉपी है वहां से नीचे नीचे तक कंपैरिजन करते करते जाएंगे, मतलब उसका उल्टा हम जा रहे हैं, उसका उल्टा जा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे जे माइनस माइनस लिया है। और एक चीज यहाँ पे मैंने एरे देखो, ये जो एरे है एरे में मैं क्या करूंगा, पहले इस एलिमेंट को क्या करूंगा, इस एलिमेंट को पिक करूंगा अनसॉर्टेड सबलिस्ट से, और उसको क्या करूंगा इसके साथ कंपैरिजन करूंगा। तो इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है 1, इसका पोजीशन क्या है 0, मतलब अगर आई का पोजीशन 1 है तो जे मतलब उसके एक प्रीवियस पोजीशन से मैं क्या करूंगा कंपैरिजन करना शुरू करूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया जे इक्वल्स टू आई माइनस 1। और ये कंपैरिजन कब तक चलेगा, सॉर्टेड सबलिस्ट में हम कंपैरिजन कहां तक करते हैं, पूरा एंड मतलब पूरा फर्स्ट रोल नंबर तक, मतलब पूरा नीचे जो रोल नंबर है वहां तक। तो कंडीशन कब तक चलेगा, जब तक जे का वैल्यू 0 नहीं हो जाता तब तक, मतलब जब तक हम फर्स्ट रोल नंबर मतलब सबसे नीचे जो रोल नंबर है वहां तक जब तक हम कंपैरिजन नहीं कर लेते तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा। ओके सो पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे पिक करेंगे अनसॉर्टेड सबलिस्ट से 33 रोल नंबर वाले कॉपी को, और वहां पे चेक करेंगे कि सॉर्टेड सबलिस्ट में जो 14 रोल नंबर वाले कॉपी को हमने स्टोर किया है वो 14 रोल नंबर से क्या 33 रोल नंबर बड़ा है, 14 रोल नंबर से 33 रोल नंबर बड़ा है, या फिर 14 रोल नंबर बड़ा है क्या 33 रोल नंबर से, नहीं 14 रोल नंबर छोटा है 33 रोल नंबर से, इसका मतलब पोजीशन हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम 33 रोल नंबर को क्या करेंगे हमारे सॉर्टेड सबलिस्ट में सेकंड पोजीशन में ऐड कर लेंगे। ओके सो यहाँ पे हमारा जो इफ का जो कंडीशन है ये गलत हुआ तो एल्स ब्लॉक में आएंगे, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, जिस पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर हम हैं उस फॉर लूप को वो टर्मिनेट कर लेता है और लूप के बाहर हमें ले आता है। सो लूप के बाहर अगर आएंगे तो यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू हमने क्या लिया है 1, सो यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू 1 कब होगा, जब हम इफ स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइड किया गया कंडीशन अगर एक बार भी ट्रू होता है तब जाके फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू 1 होगा, बट यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू 1 नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं गए हैं, हमारा कंडीशन सही नहीं हुआ है। ओके सो यहाँ पे हमें कोई भी पोजिशन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम 33 को क्या करेंगे सॉर्टेड सबलिस्ट में अपर पोजिशन में एड कर देंगे। फिर ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू पहले 1 था तो अभी आई का वैल्यू हो जाएगा 2, और सेकंड पोजीशन में जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे टेम्प वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, अभी हम जिस पर्टिकुलर रोल नंबर वाली कॉपी को पिक करके रखे हैं उसके प्रीवियस मतलब सॉर्टेड सबलिस्ट में सबसे ऊपर जो कॉपी है क्या है उसका रोल नंबर 33, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो उसका इंडेक्स नंबर क्या है, उसका इंडेक्स नंबर इससे एक कम है, मतलब आई माइनस 1। ओके सो जे इक्वल्स टू आई माइनस 1, सो जे का वैल्यू अगर यहाँ पे है 2, आई का वैल्यू क्या है जे सॉरी आई का वैल्यू यहाँ पे अगर है 2, जे का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा आई माइनस 1, 2 माइनस 1, 1। ओके सो यहाँ पे कंपेयर करेंगे एजे, एजे मतलब 33 ग्रेटर देन 27, 33 बड़ा है क्या 27 से, हाँ रोल नंबर 33 बड़ा है 27 से, सो वहां पे क्या करेंगे रोल नंबर 33 वाले कॉपी को एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे। ओके एजे प्लस 1, एजे प्लस 1 मतलब क्या, ये यहाँ पे हम किसका वैल्यू स्टोर करेंगे एजे का, एजे का वैल्यू क्या है 33, सो 33 को आगे शिफ्ट कर देंगे। सो यहाँ पे भी 33 है बट हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। ओके सो यहाँ पे जबकि हमने एक पोजीशन आगे शिफ्ट किया तो यहाँ पे हम फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू हमने 1 इसीलिए रखा है ताकि हमें बाद में पता चले कि हाँ हमने एक पोजीशन चेंज किया है, पोजीशन आगे शिफ्ट किया है। ओके
सो पोजीशन जबकि हमने यहां पे एक आगे शिफ्ट कर लिया है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे j माइनस माइनस। सो अभी j किसको पॉइंट करेगा, इसको, इसको कंपेयर करेंगे 14 ग्रेटर देन 27। 14 बड़ा है क्या 27 से? नो, तो 14 को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। else ब्लॉक के पास आएंगे, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मतलब फॉर लूप डोमिनेट हो जाएगा, और फिर बाहर आ जाएंगे, चेक करेंगे फ्लैग का वैल्यू 1 है क्या। हां फ्लैग का वैल्यू 1 है, और फ्लैग का वैल्यू अगर 1 है तब j का वैल्यू क्या था, j का वैल्यू इसको पॉइंट कर रहा था मतलब j का वैल्यू 0 था। 0 plus 1 1, so a1 कौन सा है, ये a1 में क्या स्टोर करेंगे, temp का वैल्यू, temp का वैल्यू क्या है 27। ओके, सो सॉर्टेड सब लिस्ट में हमने यहां पे और एक एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन में इंसर्ट कर दिया है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फिर जाएंगे ऊपर i++। सो जब i++ के पास जाएंगे, सो वहां पे i का वैल्यू भी क्या होगा, i का वैल्यू आगे वहां पे होगा 3। ओके, सो temp में हम असाइन करेंगे a3 में जो वैल्यू है 35 उसको। फिर हम क्या करेंगे, उसके प्रीवियस पोजीशन से फिर से कंपैरिजन करना शुरू करेंगे, मतलब i-1 मतलब क्या 2, और a2 में क्या है 33 ग्रेटर देन 35, 33 रोल नंबर बड़ा है क्या 35 से? नो, बड़ा नहीं है, इसका मतलब पोजीशन कुछ भी हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। else ब्लॉक के पास आएंगे, ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर लूप डोमिनेट हो जाएगा, फ्लैग का वैल्यू 1 नहीं है, कोई भी पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 35 को ऐड कर देंगे सॉर्टेड सब लिस्ट में। ओके, फिर ऊपर जाएंगे i++, i का वैल्यू हो जाएगा 4। ओके, सो i का वैल्यू अगर हो जाएगा 4, वहां पे फिर से अंदर आएंगे, असाइन करेंगे temp को a4 में क्या है 10। ओके, फिर यहां पे कंपैरिजन शुरू करेंगे उसके प्रीवियस पोजीशन से 3, सो a3 ग्रेटर देन, a3 में क्या है 35 ग्रेटर देन 10, यस रोल नंबर 35 ग्रेटर है 10 से। सो वहां पे क्या करेंगे, 35 शिफ्ट करेंगे एक पोजीशन आगे, aj+1 मतलब ये aj अगर है, ये aj+1, यहां पे हम क्या करेंगे 35 को स्टोर करेंगे। ओके, यहां पे भी 35 है बट हम कंसीडर करेंगे ये ब्लैंक है। उसके बाद कंपेयर करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे j-, तो इस पोजीशन को पॉइंट करेगा 33 ग्रेटर देन 10, यस 33 ग्रेटर है, तो 33 को फिर से शिफ्ट करेंगे एक पोजीशन आगे। फिर ऊपर जाएंगे j-, इसको पॉइंट करेगा, फिर कंपैरिजन करेंगे 27 ग्रेटर देन 10, यस फिर से एक पोजीशन आगे शिफ्ट करेंगे। फिर ऊपर जाएंगे j-, 14 ग्रेटर देन 10, यस 14 को एक पोजीशन आगे शिफ्ट करेंगे। उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे j-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, लूप के बाहर आ जाएंगे, फ्लैग का वैल्यू 1 है क्योंकि हमने यहां पे पोजीशन शिफ्ट किया है, और यहां पे aj+1, j मींस -1 -1 +1 0, a0, a0 मतलब ये a0 में क्या स्टोर करेंगे 10, a0 में स्टोर हो जाएगा 10। सो यहां पे हमने एरे में जो 5 एलिमेंट्स को हमने यहां पे सॉर्टिंग कर लिया है। फिर ऊपर जाएंगे i++, i का वैल्यू हो जाएगा 5 less than 5, कंडीशन विल बी फॉल्स, यहां पे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का जो दोनों फॉर लूप हमने यूज किया था, दोनों फॉर लूप यहां पे डोमिनेट हो जाएंगे। ओके, और दोनों फॉर लूप टर्मिनेट होने के बाद यहां पे हम देख सकते हैं कि सारा एलिमेंट ऑलरेडी प्रॉपर ऑर्डर में सॉर्टिंग हो चुका है। ओके, सो अगर इसको ऐसे आउटपुट हम प्रिंट करेंगे, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के थ्रू सिंपली हम एक एरे के, एक वन डायमेंशनल एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ऐसे आउटपुट हम जैसे प्रिंट करते हैं वैसे नॉर्मली इसको प्रिंट करेंगे, तो हमें यहां पे मिल जाएगा सॉर्टेड फॉर्म में, क्या सॉर्टेड फॉर्म में सारे एलिमेंट्स हमें यहां पे मिल जाएंगे। ओके, सो पता चला कोडिंग क्या है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का। सो अगर आपको इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या है वो पूछे, वही कोडिंग जो हमने वहां पे देखा वही सेम है। दो फॉर लूप यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर लूप यूज करते हैं हम वहां पे अनसॉर्टेड सबलिस्ट के लिए, और सेकंड फॉर लूप यूज करते हैं सॉर्टेड सबलिस्ट के लिए। सो अनसॉर्टेड सबलिस्ट हमारा आई का वैल्यू 1 से लेके n-1 पोजीशन तक, मतलब अगर हमारे एरे में 5 एलिमेंट है मतलब इंडेक्स नंबर 0 से लेके 4 तक, मतलब इंडेक्स नंबर 0 को तो हमने सॉर्टेड सबलिस्ट में ऐड किया है, तो इंडेक्स नंबर 1 से लेके अगर 4 तक जाएंगे मतलब 5 एलिमेंट अगर हम स्टोर कर सकते हैं, तो इंडेक्स नंबर क्या है 4, मतलब n-1। सो 1 से लेके n-1 तक हमारा जो लूपिंग है वो लूपिंग चलेगा। ओके, 1 से लेके कहां तक, n-1 तक। उसके बाद टेंप वेरिएबल को यूज करेंगे अनसॉर्टेड सबलिस्ट से एक-एक एलिमेंट को पिक करके उसको सॉर्टेड सबलिस्ट में कंपेयर करके करेक्ट पोजीशन में इंसर्ट करने के लिए। और सॉर्टेड सबलिस्ट का जो पोजीशन होता है जहां से हम कंपैरिजन शुरू करते हैं वो अनसॉर्टेड सबलिस्ट के एक प्रीवियस पोजीशन से होता है, इसीलिए अनसॉर्टेड सबलिस्ट को जबकि हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के द्वारा, तो सॉर्टेड सबलिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे के द्वारा, तो यहां पे हम लिखेंगे i-1। ओके, और वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम कंपेयर करेंगे जो न्यू एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो न्यू एलिमेंट हमारे सॉर्टेड सबलिस्ट के किस एलिमेंट से छोटा है या फिर किस एलिमेंट से बड़ा है, और करेक्ट पोजीशन उसका क्या है, उस करेक्ट पोजीशन में हम उसको क्या करेंगे, उस करेक्ट पोजीशन में उसको इंसर्ट करेंगे।
और करेक्ट पोजीशन में उसको इंसर्ट करने के बाद फिर से हम जाएंगे अनसॉर्टेड लिस्ट के पास, वहां से फिर से और एक एलिमेंट को पिक करेंगे, फिर से उसको सॉर्टेड सब लिस्ट के एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, करेक्ट पोजीशन में फिर से इंसर्ट करेंगे। ऐसे तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक हम अनसॉर्टेड सब लिस्ट के सारे एलिमेंट को पिक करके सॉर्टेड सब लिस्ट में करेक्ट पोजीशन में इंसर्ट नहीं कर लेते। ओके, सो आज की क्लास में हमने देखा कि ये इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम क्या है, उसका एग्जांपल देखा, उसको रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझा, उसको कोड के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमने देखा, एल्गोरिथम भी हमने देखा। सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किया गया है कि आपको इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके इन लिस्ट ऑफ डाटा एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, सो जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसी तरह से आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश खुद से करना है, वही सेम प्रोसेस है जिस प्रोसेस से अभी हमने आपको करके बताया। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।